आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सुनहरे भविष्य की चाह, माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए दसवीं और बारहवीं के बच्चे तैयारियों में जुट गए हैं। दरअसल CBSE, CISE और UP बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए विद्यार्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कुछ विद्यार्थी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा वो चाहते हैं। जिसका क्या कारण है वो आज हम आपको समझाएंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे तैयारी करें। दिन और रात दसवीं और बारहवीं के छात्र घंटों किताबों को पढ़ रहे हैं, साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं से मोबाइल या कंप्यूटर पर चिपके रहते हैं, लेकिन पढ़ने का ये तरीका बिल्कुल गलत है क्योंकि इस तरीके से छात्र तनाव की चपेट में आ सकते हैं। अब हम आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करते हैं जिससे बेहतर अंक लाने में मदद मिलेगी। सबसे पहले टाइम टेबल को पढ़ें और उसके हिसाब से तैयारी करें। पूरी नींद और ब्रेक जरूर लें, रिवीजन करें, शॉर्ट आंसर को पहले तैयार करें, बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखें। एग्जाम की तैयारी स्थिर और शांत अध्ययन वातावरण बनाकर करें। पिछले साल का प्रश्न पत्र जरूर हल करें। अब हम आपको बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दोस्ती, मोबाइल फोन और इंटरनेट चैटिंग से दूरी बनाए रखें। हल्का भोजन लें जिससे आलस कमाएं। ज्यादा पानी पिएं। थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों से ये न पूछें कि उन्होंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, ये सुनकर मन भटक जाता है। परीक्षा की तैयारी के लिए जो शेड्यूल बनाया है उसको रोज फॉलो करें। 45 से 50 मिनट की पढ़ाई के बाद ब्रेक जरूर लें। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कागज का एक टुकड़ा आपका भविष्य नहीं तय कर सकता, इसलिए भविष्य की चिंता ना करें, बिना टेंशन के पढ़ें जिससे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सौगंध टीवी।